दोस्तों छुट्टी का दिन हो और माँ के हाथ की मक्की की रोटी खाने को मिल जाए तो बात ही अलग है। तो आज टेस्ट बास्केट लेके जा रहा है आपको मम्मी के ढाबे में, जहाँ बनेगी एकदम सॉफ्ट और ऑथेंटिक मक्की की रोटी, जिसे मम्मा खुद बनाने जा रही है। और दोस्तों इस वीडियो में मम्मा आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे, जिससे मक्की की रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी और वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको लेके चलती हूँ जल्दी से मम्मी के ढाबे में। मम्मा स्वागत है आपका हमारे चैनल टेस्ट बास्केट में। तो आज आप हमें बताएं कि आसान तरीके से ऑथेंटिक मक्की की रोटी कैसे बनाई जाती है। हाँ बेटा, मैं जरूर सिखाऊंगी आपको मक्की की रोटी बनाना, क्योंकि ये आजकल की जनरेशन को बहुत मुश्किल लगती है बनानी, पर मैं तुझे बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी अभी। तो चलिए मम्मा जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक तो मेथी लेंगे, ठीक है, मूली लेंगे और थोड़ी सी लहसुन की कलियां लेंगे, अदरक का टुकड़ा लेंगे और दो हरी मिर्च लेंगे। मेथी को मम्मा आपने कैसे किया है, इसके सिर्फ पत्ते? मेथी के हमने खाली पत्ते लिए बेटा, और उसके बाद इसको हमने अच्छे से पानी से, दो तीन पानी से धो लिया है। ठीक है। मूली को भी मैंने टुकड़ों में काट के रख लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कद्दूकस करेंगे? नहीं बेटा, कद्दूकस करने में तो टाइम लगता है और मैंने तो काट लिया, अब ये कद्दूकस तो होगी नहीं। अच्छा। तो इसलिए अभी हम इसको सारे को चॉपर में चॉप करेंगे। ओ, तो ये सही है, इससे टाइम भी बचेगा हमारा। हाँ बेटा, इससे टाइम तो बहुत बचेगा। मैं इन सबको एक साथ ही डाल दूं मैं चॉपर में? हाँ बेटा, एक साथ भी डाल सकते हैं, और पहले खाली मेथी भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें जितनी आएगी उतनी करेंगे ना, तो दोबारा डाल के कर लेंगे। तो पहले थोड़ी मेथी और मूली डालूं? हाँ, ऐसे हाफ हाफ करके कर। ये हमने ना चॉप कर लिया है, इसको जितना ज्यादा हम बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लेना चाहिए। अगर चॉपिंग करते हुए हमें थोड़ा पानी डालना हो तो वो डाल सकते हैं। ठीक है मम्मा, तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लें। इसको इस बॉल में निकाल और फिर बाकी का दोबारा चॉप कर लेंगे। हाँ बेटा, तो दोस्तों ये देखिए कि हमने सारा जो मटेरियल है जिससे हमें मक्की की रोटी को सॉफ्ट करना है वो सारा इस बॉल में निकाल लेंगे। और दोस्तों इससे हमारा बहुत ही टाइम सेव हुआ है, नहीं तो हमारे को मेथी को अलग से चॉप करना पड़ता। मम्मा ये तो हमने अब चॉप कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब बेटे हम इसका आटा लगाएंगे, तो आटे के लिए हमने परात ले लिया, उसमें हम आटा डालेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि हमें आटा ये परात में ही गूंदना है? हाँ बेटा, खुले बर्तन में आटा अच्छा गूंदता है। अच्छा, तो इसके लिए मतलब ये है कि हम बर्तन दोस्तों बड़ा ही लें तो ये आटा अच्छा गूंदेगा। तो ये हमने 3 कप आटा लिया है, यहाँ पर इतना बहुत है। तो इतने से मम्मा कितनी रोटी बन जाएगी? 10-12 रोटी बन जाएंगी मीडियम साइज की। अगर ज्यादा छोटी बनाओगे तो और ज्यादा बन जाएंगी, ये तो अपने ऊपर भी होता है। सही है, चलो पर मीडियम साइज की 10-12 बन जाएंगी। ठीक है मम्मा, अब हम इसमें नमक मिला लेंगे। एक टीस्पून इसमें हम अजवाइन डालेंगे, और अब जो हमने ये मेथी और मूली वाला मिक्सर लिया है इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, और इसको अब हाथों से अच्छे से, तो पहले हम इसे बिना पानी मिलाए मिक्स करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पानी डालेंगे। अच्छा, क्योंकि अदरवाइज नहीं डालेंगे। मूली अपना पानी बहुत छोड़ती है, बहुत छोड़ती है, क्योंकि अब नमक भी मिल चुका है तो इससे तो पानी और भी ज्यादा छोड़ेगी। ठीक है। और बेटा ये जरूरी नहीं है कि हमने मूली और मेथी ही डालनी है, घर में अगर गाजर अच्छा। पड़ी है तो हम गाजर भी चॉप कर सकते हैं, पालक है तो पालक भी चॉप कर सकते हैं, हमारे पास अगर रात की दाल वगैरह बची हुई पड़ी है तो हम वो भी गूंद सकते हैं। और अगर अब पानी की जरूरत है तो पानी हमें गुनगुना करके ही डालना चाहिए इसमें ना। ठीक है, मतलब तो उससे आटा बहुत सॉफ्ट लगता है। अच्छा, पानी हम गुनगुना ही रखेंगे, यहाँ ठंडा पानी नहीं हमने डालना। तो ये दाल वाला अल्टरनेटिव तो बहुत अच्छा है कि रात को बची हो दाल तो उसका सुबह मक्की के परांठे खाओ अपना बना के मजे से। और क्या, और काम भी आ जाती है, फेंकनी भी नहीं पड़ती हमें। सही है। तो मम्मा ये हमारा आटा लग गया है अब? हाँ बेटा, ये आटा बिल्कुल तैयार है।
रोटी बनाने के लिए, ये देखो कैसे सॉफ्ट है आटा, ये तो बहुत सॉफ्ट लगे। तो इसमें हमें कितना पानी का यूज किया? लगभग 1 कप लग गया पानी, पर पानी तो कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि अगर हम मूली और ज्यादा डाल देंगे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ये इस चीज पे डिपेंड। तो मतलब हमने यहाँ पर 3 कप आटा लिया और उसमें 1 कप गुनगुना पानी डाला और 1 मूली यूज किया। अगर हम मूली ज्यादा यूज करते तो उतना ही पानी कम लगता। हाँ बेटा ठीक है, तो बस अब हम इसको फटाफट से बेल लेंगे है ना। तो चलो शुरू करते हैं, सिखाती हूँ कैसे बनेगी। मम्मा ये क्या आप पॉलिथिन क्यों ले रहे हो? बेटा इससे ना रोटी चिपकेगी नहीं चकली पे, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी आज तुझे मैं। तो मतलब क्या हम इस पे बेलेंगे? इसी के ऊपर ही बेलेंगे अभी हम। अच्छा ये देखो मैं पेड़ा बना रही हूँ। हम मीडियम साइज बना रहे हैं, स्मॉल मीडियम साइज। अच्छा बस अब हम, अब देखो अब ना तो हमें पानी लगाने की जरूरत पड़ रही है इस पे, हाथ से प्रेस कर करके हमने इसको बढ़ा देना। अच्छा वैसे मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग धूड़ा वगैरह यूज करते हैं इसमें। ना हमें आटा लगाना है, आटे का धूड़ा भी नहीं लगाना, हमें पानी भी नहीं लगाना, बस हमें ऐसे ही बेलना है। और ना देखो इससे हमारी स्लैब भी बिल्कुल साफ रहती है किचन की। और देखो बिल्कुल भी किनारों से देखो बिल्कुल टूटी नहीं है ये। तो हमने अब ये तवा गर्म कर लिया इसको सेकने के लिए है ना मम्मा। फ्लेम क्या रखा था आपने? फ्लेम हमने अभी मीडियम ही रखी है बेटा, बस हमने पहले तवे को गर्म करना है। अच्छा मतलब ये गर्म हो गया। अच्छा अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। ठीक है, और ये तवा जरूरी नहीं है कि हमें नॉन स्टिक ही लेना है, हम सिंपल तवे पे भी बना सकते हैं, लोहे वाले पे। तो उसपे भी चिपकेगी तो नहीं? उसपे भी नहीं चिपकेगी। ठीक है, अब बेटा देखो हम इस रोटी को ऐसे पकड़ के इसको पॉलिथीन को ऐसे अलग कर देंगे और ये रोटी को ऐसे डाल देंगे। सही है, तो बहुत सही है। और देखो इस पे भी बिल्कुल नहीं चिपकी है, कुछ भी नहीं लगा। सही, लोग तो पता नहीं क्यों ऐसे इतना सूखा आटा लगाते हैं और ये सब करते हैं। इसी तरह हम और रोटी बना लेंगे, उसके लिए हमने पेड़ा बना लिया। तो अब दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से आप मम्मी की स्पीड देखो, अभी एक रोटी ऊपर है और नीचे दूसरी रोटी बिल भी है। बेटा मैं तो दो तवे रखती हूँ क्योंकि मक्की की रोटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा सेक की जरूरत होती है ना, तो दो तवे रखो और फटाफट से सबको खिलाओ। अच्छा, बस एक पे हल्का सा सेको और दूसरे पे बनने दो, इतने में दूसरी रोटी तैयार। वाह जी वाह, अब बेटे इसको हम किनारों से ऐसे कर लेंगे चक्कू की सहायता से, और फिर हम इस पलटे की सहायता से इसको पलट देंगे। अभी हम इस पे घी लगाएंगे या नहीं? मर्जी है बेटा, अब हम जैसों की उम्र है, जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए तो हमें घी वगैरह कम खाना होता है, तो नहीं लगाते। हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो। नहीं लगाते, बच्चों को खिलानी है तो जितना मर्जी घी लगाओ, मक्की की रोटी पे तो घी मक्खन अच्छा ही लगता है। वाह मम्मा इसका तो कितना अच्छा कलर आ रहा है। बेटा ये खाने में भी अच्छे और लग भी बहुत सॉफ्ट रही है। तो बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बनाएंगे। इसी तरह से दोबारा से हमने थोड़ा सा घी लगा लिया और इसी तरह से दूसरी रोटी भी इसी तरह से उतारते हुए इसको डाल देंगे। ठीक है, एक रोटी मम्मा मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ बेटा करके देखो, इसको ऐसे सराउंड कर लो। यहाँ कुछ करना है इसको दबाना? नहीं बेटे ऐसे ज्यादा जरूरत नहीं, बस सिंपल यहाँ बस बिछा लो। ऐसे घुमा घुमा के, वाह यार ये तो नहीं टूट रही है। मम्मी ने तो पहली बारी में सबको ही एक्सपर्ट बना दिया। हथेली से करे इसको, अपनी ये चूड़ी ऊपर करके ना हथेली से। तो देखो दोस्तों मैंने भी पहली बार में ये रोटी बना ली और ये टूटी नहीं है। तो इसके लिए मम्मा सबसे पहले हमने थोड़ा सा घी लगाना है ना? घी लगाना बेटा। अब इसको अपनी हथेली पे उठा के और ये धीरे धीरे
ये देखो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं उतरा है। वाह भी वाह, मुझे भी आ गई मक्की की रोटी बनानी। हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है मक्की की रोटी बनाना, कुछ मुश्किल नहीं है। अपना दाल सब्जी जो भी बची हो, मैं तो कई बार कोई सब्जी बची होती है उसको भी चोपर में पीस के डाल देती हूँ, उसके वो आटा उससे भी गूंद देती हूँ, तो बड़ी टेस्टी बनती है। सही है, सारे बड़े शौक से खाते हैं उसको। ये देखो, ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो मम्मी बताती है ना, यही हमारे काम आती है, तो हमें ऐसे ही बनानी चाहिए मक्की की रोटी। तो दोस्तों, ये लो हमारी मक्की की रोटी बनके तैयार है। बेटा, इसको मक्खन के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छा, अब इसके ऊपर मक्खन, वाह जी वाह। हाँ, ये आई ना असली पंजाब की जो मिठास मक्खन में और मक्की की रोटी में है। साग दही लस्सी इन चीजों के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ठीक और है। जो जब हम नाश्ते में इसको खाते हैं तो कई बार हम चाय के साथ भी खा लेते हैं इसको। हाँ, इतनी सॉफ्ट जो है ये। तो दोस्तों, अगर आपको ये मम्मी के हाथ की मक्की की रोटी पसंद आई है तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं, और ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलेंगे जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।